स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए 23 CRPF जवानों के कर्ज को माफ कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि CRPF के 23 जवानों ने बैंक से लोन लिया था और बैंक ने तय किया है कि उनके कर्ज को तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए। CRPF के सभी जवान डिफेंस सैलरी पैकेज के अंतर्गत बैंक के ग्राहक हैं, जहां CRPF के प्रत्येक जवान को 30 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। बैंक का कहना है कि वह शहीद सैनिकों के परिजनों को बीमा धनराशि जारी करने में भी तेजी लाने के लिए कदम उठा रहा है। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि हमेशा देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहने वाले सुरक्षा कर्मियों का आतंकवादी हमले में शहीद होना बहुत दुखद और पीड़ा देने वाला है। SBI ने उन परिवारों को राहत देने के लिए छोटा सा कदम उठाया है जिन्होंने अपनों को खोया है। बैंक ने भारत के वीरों के लिए UPI भी बनाया है ताकि लोग उनकी मदद के लिए आसानी से योगदान दे सकें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।